Hello everyone, welcome again to online session of Monologue Classes. I'm Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you mastering legal aptitude passes, quick tips for online passes solving without committing any mistake. So basically इस सीरीज में हम क्या करते हैं, हम हर मंथ आपको एक पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक्स और टेक्निक बताते हैं कि जिससे कि आप एग्जामिनेशन में बिना मिस्टेक करे पैसेज को इजीली और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए। आज हम चलते हैं, जो आज का हमारा पैसेज है, दिस इज बेस्ड अपॉन भारतीय न्याय संहिता एंड इट मेनली कवर्स थ्री सेक्शंस, सेक्शन 98, सेक्शन 100 एंड सेक्शन 104। सो जो सेक्शन, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दीज फैक्ट्स। सो सेक्शन 98 डील्स विद द कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 100 डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, और सेक्शन 104 डील्स विद द डेथ कॉज्ड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। नाउ अब मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूं पैसेज के बारे में कि ये पैसेज में लिखा हुआ बेसिकली क्या है। तो सेक्शन 98 जो है वो इसका भारतीय न्याय संहिता का डिफाइन करता है कल्पेबल होमिसाइड को। पहले जो ऑफेंस है कल्पेबल होमिसाइड का, इट वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी मींस भारतीय न्याय संहिता। अभी इसमें भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 98 हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 1 जुलाई 2024 से तीन कानून हमारे नए इंप्लीमेंट हुए हैं। सेकंड है जो सेक्शन 100 है हमारा, ये डिफाइन करता है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। देखिए, जब कोई पर्सन, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को मारना चाहता है, उसकी इंटेंशन किसी दूसरे पर्सन को मारने की होती है, लेकिन वो एक्सीडेंटली थर्ड पर्सन की डेथ कॉज कर देता है, तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो उस थर्ड पर्सन की डेथ के लिए लायबल होगा या नहीं होगा। तो कानून कहता है कि वो थर्ड पर्सन की डेथ के लिए लायबल होगा, और कानून ऐसा मानेगा कि वो उस थर्ड पर्सन की ही डेथ कॉज करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 104, जो ये डिस्कस करता है कि अगर कोई पर्सन रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की डेथ कॉज करता है, और जब वो किसी की डेथ कॉज करता है और अगर ये वो इस इंसिडेंट को पुलिस को या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है, मतलब इस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन वो पुलिस या मजिस्ट्रेट को देता है, तो उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है, मीन्स वो 7 साल की पनिशमेंट के लिए लायबल होता है। लेकिन अगर वो किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है और इसकी इंफॉर्मेशन वो पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं देता है, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो 10 ईयर्स पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाता है। सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज पैसेजेस। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ए व्हाइल ड्राइविंग रेकलेसली हिट्स एंड किल्स बी, ए देन एस्केप द सीन विदाउट रिपोर्टिंग द इंसिडेंट। अब यहां पर क्या कह रहा है, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना होता है, वो सीन को एस्केप कर देता है विदाउट रिपोर्टिंग द इंसिडेंट, वो बताता नहीं है। अंडर विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 विल ए बी प्रोसिक्यूटेड एंड व्हाट कुड बी द मैक्सिमम पनिशमेंट। तो ये कहता है कि किस सेक्शन में उसका क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा उसको, और उसका किस सेक्शन में उसकी लायबिलिटी होगी, उसका पनिशमेंट क्या होगा। अब यहां पर हम देखते हैं, तो सेक्शन 98 इससे डील नहीं करता, सेक्शन 104, यहाँ पर देखिए दो पॉसिबल आपके आंसर हो सकते हैं, सी और डी। अब सी और डी को हमको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि जो 98 और 100 है वो डेथ कॉज बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के साथ डील नहीं करते, जैसा कि पैसेज में मेंशन है। अब सेक्शन 104 क्लॉज 1 कहता है कि उसकी लायबिलिटी 7 ईयर के लिए होगी, और 104 क्लॉज 2 कहता है कि उसकी लायबिलिटी 10 ईयर के लिए होगी। अब क्योंकि उसने इस इंसिडेंट को बताया नहीं है तो लायबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी,
सो करेक्ट आंसर वुड बी डी. नाउ वी कम टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज ए इंटेंडिंग टू किल सी एक्सीडेंटली किल्स बी इंस्टेड. ए डिड नॉट हैव इंटेंशन टू किल बी. वेदर ए कैन बी हेल्ड लायबल अंडर द भारतीय न्याय संहिता. तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि ए की इंटेंशन है कि वो सी को मारना चाहता है लेकिन एक्सीडेंटली वो बी को मार देता है. तो अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उसकी लायबिलिटी होगी बी की डेथ के लिए, नहीं होगी. सो आंसर इज नो, ये गलत है. यस यस सही है. अंडर सेक्शन 100 बिकॉज एज एक्ट कॉज द डेथ ऑफ बी सो ही शुड बी हेल्ड लायबल. सो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस एप्लीकेबल होगा और करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा. अब देखिए जो आंसर सी है वो भी ये कहता है यस बट अंडर सेक्शन 104. तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा. यहाँ पर 104, अब 104 डज नॉट डील विद द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी है. और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि कोई भी आंसर देने से पहले आपको पूरे आंसर को पढ़ना पड़ेगा, पूरे उस ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा. अब देखिए ये भी यस की बात करता है और ये भी यस की बात करता है, लेकिन अगर आप केवल इस यस यस के आधार पर ही आंसर देते हैं तो आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा. इसलिए आप सब लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप पूरा ऑप्शन पढ़ें और पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर दें. तो जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन 100, और फिर आप पैसेज से इसको रिलेट करेंगे तो पैसेज में भी सेक्शन 100 डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस की बात करता है, लेकिन सेक्शन 104 इसकी बात नहीं करता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ए नोइंग दैट हिज एक्शंस आर लाइकली टू कॉज डेथ एंगेजेस इन ए फिजिकल ऑल्टरकेशन विद बी रिजल्टिंग इन बीज डेथ. तो यहाँ पर ए को नॉलेज है और वो बी की डेथ कॉज करना चाहता है. क्या है, ए को नॉलेज है कि और वो बी की डेथ कॉज करना चाहता है. अंडर विच सेक्शन ए विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एज नॉलेज. तो हेयर देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है. 100 ट्रांसफर ऑफ मेलिस की बात करता है, ये रेस्ट नेग्लिजेंट की बात करता है. तो करेक्ट आंसर ए होगा क्योंकि सेक्शन 100 ही किसकी बात करता है, सेक्शन 98 ही कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है. अब आंसर क्या है, सेक्शन 98 बिकॉज ए हैड द नॉलेज दैट हिज एक्शंस कुड कॉज डेथ. तो अगर किसी पर्सन को ये नॉलेज होती है कि उसके एक्शन से किसी दूसरे पर्सन की डेथ हो सकती है या वो इंटेंशनली किसी पर्सन की डेथ कॉज करना चाहता है तो वो लायबल होता है. जो इंटेंशन हमारी होती है दिस इज मोर स्पेसिफिक इन कंपैरिजन टू द नॉलेज. तो स्पेसिफिक मतलब इंटेंशन इस तरह से होता है और नॉलेज थोड़ा सा ब्रॉड होता है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ए इंटेंडिंग टू कॉज सीरियस बॉडीली हार्म टू बी engages in a fight but it leads to B's death. तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी intention है कि वो B की death cause करना चाहता है और वो उसको serious bodily injury cause करना चाहता है, लेकिन इससे क्या हो जाती है, B की death हो जाती है. Which section of भारतीय न्याय संहिता will apply considering A's intent and outcome. तो यहाँ पर again section 100 would be applicable. क्यों, क्योंकि उसकी इंटेंशन थी कि वो उसकी डेथ कॉज करना चाहता था. सो अगेन ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. ए परफॉर्म एन एक्ट दैट लीड्स टू बीज डेथ ड्यू टू द नेग्लिजेंस. यानी कि ए की लापरवाही से ए कोई काम करता है जिससे उसकी लापरवाही से बी की डेथ हो जाती है. ए रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द पुलिस. वो इस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को इमीडिएटली. इन द गिवन सिचुएशन ए विल बी लायबल फॉर हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट. तो इस सिचुएशन में वो कितनी ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल होगा. यहाँ पर 10 ईयर नहीं होगा, 5 ईयर नहीं होगा, 7 ईयर इज द करेक्ट आंसर एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज इटसेल्फ. सो हमने आपको बताया था कि सेक्शन 104 जो है उसके दो पार्ट हैं. एक पार्ट में पर्सन किसी के डेथ कॉज करता है और इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है जो कि क्या होती है, 10 साल तक हो जाती है. लेकिन दूसरे में पर्सन क्या करता है,
किसी की डेथ कॉज करता है एक रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन वो पुलिस या मजिस्ट्रेट को देता है। तो जब वो इस इंफॉर्मेशन को पुलिस या मजिस्ट्रेट को देता है तो उसकी लायबिलिटी कम होती है और इसीलिए उसको 10 साल का पनिशमेंट ना मिलकर केवल 7 ईयर का पनिशमेंट मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो दिस इज द आंसर की। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम अगेन विद मोर सच पैसेजेस। टिल देन थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। Thank you.